देख सकते हैं वहाँ पर मिथिला के जे ट्रेडिशन आबि गेल छे त्र्यंबकेश्वर 3 किलोमीटर पहाड़ छे, पहाड़ पर कतौ बैसल छथिन महादेव। यार देखियो एते सुंदर नजारा देखेल भेटते त मस्ता एकटा एहन राज छे जैठम जे छे ने 3 टा ज्योतिर्लिंग छे, ओही के बीच में सब देख सकै छे एकटा बहुत सुंदर छोट सीन गांव बसल छे। मस्ता के आसपास में आके कह दी कि लगभग आधा दर्जन जे छे ना ज्योतिर्लिंग आहा ठाम छे। नमस्ते मिथिला, प्रणाम मैथिल, हम प्रकाश, आशा मिथिलावासी को फिर से स्वागत कर रहा हूँ मिथिला के दूर के कर्णव का सुंदर सन और भोरका ब्लॉग में। जना कि अहाँ सब गोटे थंबनेल में देख लिया, अहाँ सब गोटे के बहुत सुंदर एकटा जे अपना भारतवर्ष में और सनातनी के लिए कह सकते हैं एकटा बहुत सुंदर पावन धरती है जो 12 ज्योतिर्लिंग है ओमे से एकटा जे छथिन त्र्यंबकेश्वर महादेव जे नासिक में स्थित छथिन ओहिठमा सब गोटे के लके जा रहा हूँ। तो अहाँ सब गोटे देख सकै छिए हमर जे छै पूरा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी भऽ गेल छै, गाड़ी रेडी छै और जते भी किट्स ये सब टाइम ऑलमोस्ट रेडी छे, तो चलू सब किस तैयार छे ये तो निकली छे। तो अहाँ सब मिथिलावासी को फिर से स्वागत कर रहे हन और अहाँ सब गोटे को हम बता दी कि हम अप्रॉक्सीमेटली जे छे ना 5:10 पर घर से निकल छलिए और फिलहाल अखन 6 बज गए। ऑल्दो हमर जते भी राइडिंग गेयर छे सबटा ऊपर हम पहिर लेने छलिए, जे भी ब्लॉगिंग के सेटअप ये से हम पूरा ऊपर में कर लेने छलिए, ताहिके बावजूदो जे छे से नीचा में हमरा आधा पौने घंटा लागि गेलै। छोट तते सारा चीज रहै छै ना ओ पूरा कम्प्लीट करै, ओकरा बाद जे छै से हमरा विरार रेलवे फाटक क्रॉस करैमे लगभग 15-20 मिनट लागि गेल किएकि बहुत सारा ट्रेन आबै छलै। और फिलहाल देख सकै छी 6:06 भेलै हँ और हम पहुँचै वला छी अखन जे विरार फाटा छै NH 48 ताहि ठाम। फिलहाल अहाँ सब गोटे देख सकै छी जेनाहिते अपने सब गोटे गाँवमे सुबह के नजारा देखै छी तेनाहिते बाहर ओहिठाम मुंबईमे सेहो अहाँ सब गोटे देख सकै छी। एक्चुअली जे गाँवके लोक छथिन हुनका तऽ डेली देखैके लेल भेटै छै ईसब, किएकि ओसब जल्दी सुति रहै छथिन गाँवमे और इनके से अगर जल्दी नहि सुतै छथिन तैयो भोरके बहुत जल्दी उठि जाइ छथिन। सूर्योदयसँ मोस्टली लोक जे छै ने पहिले उठि जाइ छथिन, लेकिन बाहरमे छै ने ई चीज नहि होइ छै, लोक लेटसँ सुतल आओर लेटेसँ उठबो करै छथिन। आइ नो लेटसँ उठैवलामे सँ हमहूँ एकटा छी किएकि हमहूँ जे छै ने लेट सुतलहुँ आओर लेट भोरके सुतिकऽ उठै छियै, तऽ ताहि दुआरे हमरो ई भोरके नजारा छै देखैके लेल नहि भेटै छै, लेकिन फिलहाल आइ ओहि चीजके हम एन्जॉय कर रहलहुँ। आओर जेनाकि अहाँ सब गोटे स्टार्टिंगमे कहलहुँ कि आइ हम जा रहलिए हन जे अपन 12 ज्योतिर्लिंग छै ओहिमे सँ एकटा जे छथिन त्र्यंबकेश्वर महादेव ताहिठाम गेल छी NH नेशनल हाईवे 48 जे छै 48 ताहिपर, जेकि पूरा कहि सकै छियै साउथके जते भी स्टेट यऽ तकरा आओर महाराष्ट्र गुजरातके कनेक्ट करै छै। अहाँ सब गोटे बता दिए आइ छियै 18 तारीख और हमरा उसका कोनो भी प्लान नहि छलै त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाइके, किएकि हमर सबके दोसर प्लान बनि गेल छलै। हमसब जे छै ने जते भी हमर पहिलुका ग्रुप छलै अहाँ सब गोटे देखने हेबै कुण्डालिका वैली वाला, तऽ ओहि ग्रुपके हमर सबके प्लान छलै कि हमसब पहिले भीमाशंकर जेबै जेकि हमरा घरसँ अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर छै। बट एट द एंडमे आबिके छै ने ओ सब प्लान कैंसिल कऽ देलकै। हमरा काल्हि खुन पता चललै हँ कि आप सब कहै छै कि अगिला महीना सेप्टेम्बरमे गणपति पूजाके बाद जेबै, किएकि सब गोटेके कनि कनि काज छै ओकरा सबके जे ग्रुपमे आदमी छै तकरा सबके। तऽ हम कहलियै भाई हमर तऽ आब ऑलरेडी प्लान छलै कतौ ने कतौ जाइके छै, तऽ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगके प्लान पोस्टपोन भेलाके बाद हम सोचलहुँ कि हम अकेला भीमाशंकर जाय विरारसँ, लेकिन हम जहन एतयसँ चेक केलियै गूगल मैपपर तऽ लगभग जे छै ने जेना एना मिलाकऽ 500 किलोमीटरके जर्नी छलै, जे हम अकेला सोचलहुँ कि अखन बारिश सब सेहो बंद छै आओर कनि हमरा डिफिकल्ट बुझाएल, बीइंग अ ब्लॉगर ओना कोनो चीज डिफिकल्ट नहि लागैए, लेकिन सोचलहुँ कि चलो ठीक छै ओना प्लान ओकर सब कैंसिल नहि भेलै हँ, नेक्स्ट मन्थ ओना तो जाइएवला छै। हम सोचलहुँ कि श्रावण ओना तो खतम होइ पर आबि गेल छै आओर हम ताहिके बाद चेक केलहुँ गूगल मैपपर कि नासिकके जे त्र्यंबकेश्वर महादेव छथिन हुनकर दूरी कतेक छै, तो हमरा अप्रोक्सीमेटली 140-145 किलोमीटर हमरा घरसँ बतबै छलै। फेर हम प्लान बनेलहुँ कि चलो ठीक छै ई ओहिसँ नजदीक हेतै, ताहि दुआरे हम जे छै ने त्र्यंबकेश्वरके प्लान बनाकऽ आइ ओहिठामसँ निकललहुँ हँ। केओ गोटे एहिठाम आबैके लेल चाहै छी अगर अहाँ महाराष्ट्रसँ बाहर रहै छी तऽ अहाँके पासमे 2-3 दिनका ट्रांसपोर्ट मोड एहिठाम आबैके लेल अहाँ सबसँ पहिले प्लेनसँ आबि सकै छी जेकि नासिक एयरपोर्ट छै ओतऽ अहाँ उतरि सकै छी, आओर ओकरा बाद अहाँके ओतऽसँ पर्सनल गाड़ी चाहे अहाँके चाही तऽ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेहो अवेलेबल छै त्र्यंबकेश्वर महादेवके जे मन्दिर छनि ताहिठाम तक।
दोसर ट्रांसपोर्ट मोड भऽ गेल, अहाँ ट्रेनसँ आबि सकै छी। अहाँ जतय भी रहै छी ओहिठामसँ छै ने नासिक रोडके लेल ट्रेन अहाँ पकड़ि सकै छी, मतलब हरेक जगहसँ छै ने ट्रेन उपलब्ध छै ओहिठाम। आओर नासिक रोड उतरलाके बाद अहाँके लगभग 30-35 किलोमीटर छै ने ओतुका जे पब्लिक ट्रांसपोर्ट छै ओकरा सहायतासँ अहाँ त्रिकेश्वर महादेवके मन्दिर तक पहुँच सकै छी। आओर जे तेसर यातायातके जे साधन यऽ से भऽ गेल अहाँके पर्सनल गाड़ी। अगर अहाँ पर्सनल गाड़ीसँ आबैके लेल चाहै छी तऽ अहाँ डायरेक्टली त्रिकेश्वर महादेव मन्दिरके लोकेशन गूगल मैपपर डालू आओर अहाँ एहिठाम आबि सकै छी। आओर जे केओ गोटे महाराष्ट्रमे रहै छी आओर एहिठाम आबैके लेल चाहै छी तऽ हुनका लेल बता दी कि LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल CST आओर दादर थाने चाहे कतौसँ भी छै अहाँ ट्रेन पकड़ि सकै छी। एतऽ डेली ट्रेन उपलब्ध छै, सुबह शाम दोपहर कोनो भी ट्रेन अहाँ पकड़िकऽ नासिक रोड पहुँच सकै छी। हार्डली अहाँके 2-3 घंटा लागत ट्रेनसँ। आओर नासिक रोड उतरलाके बाद सेम अहाँके छै ओनाहिते पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओहिठामसँ लोकलवला लिअ पड़त। ठीक है, 30-35 किलोमीटर अहाँके नासिक स्टेशनसँ डिस्टेंस छै मन्दिरके टकरा लेल। आओर अगर अहाँ पर्सनल गाड़ी यूज करैके लेल चाहै छी तऽ पर्सनल गाड़ी अहाँ यूज कऽ सकै छी। आओर अगर अहाँ चाही तऽ बससँ सेहो ओहिठाम जा सकै छी, कियाकि बस सर्विस सेहो उपलब्ध छै बहुत सारा लोकेशनसँ, जेनाकि बोरीवली भऽ गेल, दादर भऽ गेल, गोरेगाँव भऽ गेल, सब जगहसँ उपलब्ध छै। अहाँ बस सर्विसके बारेमे ऑनलाइन चेक कऽ सकै छी गूगलपर। तऽ एते रास जे छै ने अहाँके पासमे यातायातके साधन उपलब्ध यऽ, तऽ अहाँ जखन भी अहाँके समय बचैए प्लीज़ एहिठाम एक बार अहाँ सब गोटे जरूर आउ भगवान त्रिकेश्वर महादेवके दर्शन करबाक लेल। नासिको जाइके लेल छै ने एने 48 से दूटा रास्ता जाइ छै, एकटा तऽ जे वाडा है, जैसे एक गोटे मिनी वृन्दावनके वीडियो देखने हुनका पता है वाडा वाला रास्ता, लेकिन ओ जे छै ने 10 किलोमीटर लम्बा होइ छै आओर ओ वाडा वाला लेफ्ट पहिले ही आबि जाइ छै एग्जिट लैके लिए अगर अहाँ विराट साइड से आबै छियै तऽ। लेकिन ओहिसँ कनि आओर आगे अयलाके बाद जे छै ने आगे से यू टर्न मारिकऽ आओर देख सकै छी एहिठाम पहला रास्ता छै, तऽ एतऽसँ लेफ्ट लऽ कऽ निकलबै तऽ अप्रोक्सीमेटली देख सकै छी नासिक एतऽसँ देखा रहल अइ कते 126 किलोमीटर, बट हमरा मैपमे बता रहल अइ 99 किलोमीटर ओनली। आओर ई रस्तो देख सकै छी कते सुन्दर, अखन पूरा शान्त छै, देख सकै छी एतुका माहौल कते सुन्दर छै, मस्त गाँव जकाँ शान्त वातावरण छै। आओर गाड़ी चलबैके लेल एहिसँ बढ़िआँ जगह, एहिसँ बढ़िआँ रोड, एहिसँ मस्त वातावरण नहि भेट सकैए। तऽ अहाँसँ मैथिलके बता दी कि आइ ब्लॉग जे कऽ रहल अइ सबसँ बड़का खुशीके बात ई छै कि हम जे छै ने आइ जे 12 ज्योतिर्लिङ्ग छै ओहिमेसँ 1 ज्योतिर्लिङ्गपर जा रहल हँ। आओर दोसर खुशीके बात ई छै कि आइ हम मतलब लाइफमे कहि सकै छी पहिले बेर जे छै ने स्लोलो राइडिङ्ग कऽ रहल अइ, सोलो ब्लॉगिङ्ग कऽ रहल अइ, सोलो ट्रिप कऽ रहल अइ। एहिसँ पहिले हम बहुत सारा छै ने ब्लॉग बनेने छियै, अहाँ सब गोटे ऑलरेडी देखने छियै, लेकिन ओहिमे की होइ छलै कि केओ ने केओ सङ्गे रहै छलै, कि हम बहुत सारा दोस्त रहल, चाहे हमर भैयारी छै, हमर एक दो कजन छै, से सब रहै छलै। लेकिन आइ एहन भेलै जखन ओसब प्लान कैंसिल केलकै कि नहि अखन जे छै ने अगिला महीना जेबै हमसब भीमाशङ्कर, तऽ हम कहलियै चल ठीक छै एकटा इहो एडवेंचर हेबाक चाही कि हँ अकेले लोक सोलो राइडिङ्ग करै छै तऽ ओ केना करै छै, कोन कोन चीज ओहिमे लोक मानि चलू जेना कोनो कोनो प्रॉब्लम आबै छै, कोन कोन प्रॉब्लम आबै छै, केना फेस करै छै, आओर इंडिविजुअली लोक केना ओकरा सॉल्व करै छै अपना बेसिसपर, तऽ ओहो चीज हम एक्सपीरियंस करैके लेल चाहै छलियै। आओर अकेले लोक जाइ छै तऽ की एन्जॉयमेंट करै छै, अपना भारतमे जे 12 ज्योतिर्लिङ्ग छै जेनाकि अपना बाबाधाम भऽ गेल, बैद्यनाथ धाम, तेनाहिते बता दी कि महाराष्ट्र एकटा एहन राज्य छै जाहिठाम जे छै ने 3 ज्योतिर्लिङ्ग छै, भगवान भीमाशङ्कर भऽ गेल, त्रिकेश्वर भऽ गेल आओर घृष्णेश्वर महादेव जे छथिन से तीनू महाराष्ट्रमे छथिन। आओर एक जस्ट बाजू एतऽ MP छै से हुनकर नाम बिसरि गेल छै, हमरा नाम नहि याद यऽ, आओर सोमनाथ जे छथिन से एतऽ मतलब गुजरातमे छथिन। तऽ महाराष्ट्रके आसपासमे अहाँके कहि दी कि लगभग आधा दर्जन जे छै ने ज्योतिर्लिङ्ग अहाँठाम छै, तऽ हम अहाँसब गोटेके धीरे धीरे अहाँसब मैथिलके जते भी ज्योतिर्लिङ्ग छै आओर अपना सनातन धर्मके लऽ कऽ जते भी स्थान छै हम प्रयत्न करब कि सबटा अहाँसब गोटेके धीरे धीरे जाकऽ देखाबी। तऽ स्पेशली अगर हम त्रिकेश्वर महादेवके बात करी तऽ ई जे छै से महाराष्ट्रके नासिक जिलामे छै। नासिक जिला छै ने बहुत विख्यात छै, यानी कि एहिठाम छै ने बहुत सारा एहन रामायणसँ महाभारतसँ जुड़ल जगह सब छै, जेनाकि पंचवटी भऽ गेल, सप्तऋषि आश्रम भऽ गेल, सप्तऋषि पर्वत अहाँठम छै, गौतम ऋषि जे छलखिन ओहो अहाँठम तपस्या करै छलखिन, तऽ एहि सबसँ यानी नासिकमे छै ने बहुत सारा एहन धार्मिक स्थान छै जाहिठाम लोक आबै छथिन, जते भी ई जे धार्मिक स्थान छै ओहिठाम जाकऽ दर्शन कऽ सकथिन। तऽ हमहूँ प्रयत्न करब, एक्चुअली हम तऽ एक दिनका ट्रिप प्लान कऽ कऽ आइ जा रहल हइ कि हम आइ सेम डे रिटर्न आबि जेबै, बट हम ट्राई करब कि जेनाकि पंचवटीसँ भऽ गेल जतऽसँ अपन बहन सीता छथिन जिनका रावण हरण कऽ देने छलखिन पंचवटीसँ, तऽ ओ जगहसब अहाँठाम पूरा छै, तऽ हम प्रयत्न करब कि ओहो जगहसँ हमरा सबके देखबैके लेल
तो अहाँ सब गोटे अगर हम बताबी कि भगवान जे त्रिमिकेश्वर छथिन वो केना धरती पर एलखिन, तो एक्चुअली की भेल छलै कि गौतम ऋषि जे छलखिन ओ अपना पत्नी के संगे आठम जे या सप्तऋषि पर्वत छै तहाँ पर रहै छलखिन, और हुनका संगे संगे और बहुत सारा महात्मा सब ओहिठम रहै छलखिन। जते भी महात्मा सब रहै छलखिन ओ सब चाहलखिन कि हिनकर नाम खराब कयल जाय, मतलब हिनकर नाम एते बढ़ि रहल हन तऽ हिनकर नाम खराब करै दुआरे ओ सब की केलखिन, गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या के इंजाम लगा देल, हुनका ऊपर जे छै ने पाप लागि गेलै, तो वहाँ पाप के जे छै धोय गेल भगवान भोलेनाथ के, गौतम ऋषि तपस्या केलखिन, जहन तपस्या हुनका पूर्ण भेलनि तऽ महादेव जे छै ने हुनका दर्शन देलखिन और हुनका वरदान मांग के कहलखिन, तऽ गौतम ऋषि कहलखिन कि हे भोलेनाथ हमरा ऊपर एना ना ई जे छै ने गौ हत्या के अंजाम लागि गेल यऽ, तऽ अहाँ पाप के धोय दुआरे हम जे छै ने देवी गंगा के आग्रह करै छियनि कि ओहिठाम आबथिन और हमरा ई पाप सँ छुटकारा दिलाबथि। तऽ वएह टाइममे छै ने देवी गंगा सेहो ओहिठाम प्रकट भेलखिन और ओ कहलखिन कि जामे तक एहिठाम महादेव खुद विराजमान नहि हेता तामे तक हम एहिठाम नहि आबि सकै छी। तऽ देवी गंगा जी के धरती पर आने के लेल एहिठाम नासिक मे और गौतम ऋषि के छै ने पाप से छुटकारा दिलाबै के लेल भगवान भोलेनाथ जे छै एहिठाम त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप मे स्थापित भेलखिन। और अहाँ सब मैथिल के बता दी कि जे ज्योतिर्लिंग छै त्रिमकेश्वर, ई जे गोदावरी नदी यऽ भारत देश के जे पवित्र नदी यऽ ओहिमे से एकटा छथिन गोदावरी नदी, तकरे तट पर विस्थापित छथिन। और गोदावरी नदी अहाँ सब गोटे बता दी कि अपना देश मे चारि जगह कुम्भ लागै छै, जेनाकि एकटा हरिद्वार भऽ गेल, प्रयागराज भऽ गेल और एकटा MP मे लागै छै, और चौथा जे छै ने महाराष्ट्र मे जे कुम्भ लागैए ओ एहाठम लागै छै गोदावरी नदी के तट पर, जाहिठाम भगवान त्रिमकेश्वर सुंग विराजमान छथिन। अहाँ सब मैथिल के बता दी कि आज जे छै ने हम भोरे भोर आराम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे के लेल नहा सुना लेलहुँ, बहुत एक्साइटेड छलहुँ ओहिठाम आबे के लेल, क्याकि आइ जहन हम पूजा सब करबै तऽ हमर ई सेकेंड ज्योतिर्लिंग हैत, क्याकि अपने सब जे मैथिल छै जे भी बिहारी छियै हुनका लेल तऽ पहला ज्योतिर्लिंग ऑलमोस्ट अपन बाबा बैद्यनाथ धाम होइ छै। तेनाहिते हमहूँ जे छै ने एक बेर बैद्यनाथ धाम गेल छी, आई थिंक सो 2008 या 2009 मे गेल छी, हमरा याद नहि सहीसँ। तऽ हमर मुड़न सब भेल छलै, जेनाकि अपना सबके पता यऽ कि बाबा धाममे सब धियापुता सबके मोस्टली मुड़न होइ छै गंगा कातमे, तेनाहिते ओना हमर बहुत दिनसँ जिज्ञासा अछि कि हम एक बेर काँवरमे जाइ, किएकि बहुत सारा लोक अपना सब गोटेके पता हैत कि अपना सबके गामसँ पूरा बससँ ट्रेनसँ प्राइवेट गाड़ीसँ बहुत सारा लोक काँवरमे जाइ छथिन, और आब तक बहुत सारा लोग जे छै ने दण्ड प्रणाम दैत सुल्तानगंजसँ, इवन बहुत सारा लोग अपना घरसँ सेहो जे छै बाबाधाम जाइ छथिन। तऽ हमरो बहुत जिज्ञासा यऽ कि हमहूँ बहुत जल्दी जे छै ने भगवान भोलेनाथ जे छथिन बैद्यनाथ धाममे हुनकर दर्शन करी, कामर लऽ कऽ जाइके हमरा बहुत उत्सुकता यऽ, बट ठीक छै जते जल्दी हेतै हम जाउ ओहोठाम। मन्दिर जे छै ने अखन अगर टाइमिंग के हम बात करी त्रिमकेश्वर महादेव के तऽ 24/7 चालू भऽ गेलै सावन के महिनामे, किएकि भक्तजन तते पहुँचै छथिन ताहि दुआरे 24 घंटा मंदिर के खोलि देल गेलै हम, और हुनकर नियमित पूजा कयल जा रहल हँ। भगवान त्रिमकेश्वर जी के जे करंट मंदिर छनि हुनकर स्थापना जे छै पेशवा बाजीराव जे छलखिन ओ लगभग 1750 से लऽ कऽ 1760 के बीच मे करवेने छलखिन, एंड ओकर उपरांत बाद मे जहन अंग्रेज शासन सब एलै तऽ ओ सब छै ने मंदिर के रिनोवेशन करेने छलै, ऑल्दो मतलब जहन ई सब आयल छलै औरंगजेब सब आयल छलै तऽ ओहू मंदिर के ऊपर ओ सब छै ने अटैक केने छलै, बट एनी हाउ एहि मंदिर के ऊपर ओसब बेसी क्षति नहि पहुँचा पेलै। बाद मे जहन ब्रिटिशर सब एलै तऽ एक बार फेर एहि मंदिर के छै ने रिनोवेशन करवेलकै, और वएह जे पेशवा बाजीराव जे मंदिर के स्थापना कयने छलखिन वएह ढांचा के ऊपर अखन तक मंदिर मस्त विराजमान छै, अप्रोक्सीमेटली कहि सकै छी कि 400-500 साल भऽ गेलै तऽ अहो मंदिर के बनला। अहाँ सब गोटे देख सकै छी अखन फिलहाल हम एकटा एहिठाम छोट छिन ब्रेक लेलहुँ हन, और एतऽ सँ हार्डली जे छै ने 40 किलोमीटर जे छै ज्योतिर्लिंग जे से छै, और ब्रेक लेके कारण सबसे बड़का ई छै कि अहाँ सब गोटे हमरा पीछा के तुका नजारा देख सकै छी कते सुंदर छै, कते मनमोहक ई लागि रहलै हँ, एकर जते प्रशंसा करी हम ओते कम छै। अहाँ सब मैथिल के बता दी जखन अहाँ ज्योतिर्लिंग के एबै ने तऽ रास्ता मे अहाँके बहुत सुंदर सुंदर नजारा देखे के लेल भेटत, ओहिमे से एकटा नजारा अहाँ सब गोटे ई देख सकै छी कते सुंदर ई एतुका दृश्य छै, चारू तरफ देख सकै छी ऊंच नीच पहाड़ छै, ऊपर छोट सन लगा छोट नमहर नमहर
रंग बिरंगा के पीछे पेड़ लागल छ। ओई के बीच में आहां सब देख सकै छी एकटा बहुत सुंदर छोट सीन गांव बसल छे। और जते भी नीचा में ग्रीन लैंड आहां सब देख रहल छी, जे हरा भरा जमीन देख रहल छी, सबटा में धानक खेती कयल गेल छे, सबटा में धान रोपल गेल छे। और एकटा चीज हम नोटिस केलियै महाराष्ट्र में स्पेशली अखन एहि बेल्ट सबमे जवाहर साइड में चाहे पालघर साइड कहियो चाहे मतलब नासिक साइड सबमे पानि सब अखनो सब जे छै ने लोग जेनाकि अपना सब गाँव में उतना कऽ लिए, लेकिन एहिठाम देख सकै छी बहुत जगह छै ने इनार सब छै, तो वह इनार से लोग सब छै ने एहिठाम नेचुरली वह पानि पिए से। ऑल्दो तो बिजली सब तो आबि गेल छै किएकि देख सकै छी एहिठाम डिश सब लागल छै, लेकिन सोचियो ने जे मतलब ओना तऽ अपने सब मैथिल छी, अपना सब तऽ गाँवके बहुत बढ़िआँ से जानै छै, लेकिन जे गोटे बाहर रहैत हेबै जे मतलब कहियो गाँव नहि गेल हेबै सोचियो तऽ ओ लोग सबके ई सुन्दर दृश्य देखैमे कते बढ़िआँ लागतै। ओ लोग सब एहिठाम एतै अगर रहतै तऽ ओ सब कते एन्जॉय करतै। एकटा गाँव देख सकै छी एहिठाम छै, एकटा सेम एनाहिते छै ने कनि गाँव ओतऽ आगेमे बसल छै। ओना तऽ एखन फिलहाल महाराष्ट्र मानसून चालू छै, लेकिन उसका जे वेदर छै लागि नहि रहल है मानसून जगह, किएकि भोरे से छै से बुरुकबार हो दू गेल छै। हमरा भेल जे पानि सब हेतै ताहि दुआरे हम पूरा मतलब जैकेट सब पहिर लेने छलहुँ, लेकिन अखन तक अप्रोक्सीमेटली हम देख सकै छियै 80-90 किलोमीटर के जर्नी तय कऽ चुकलिए हँ, लेकिन एक बेर पानि नहि अयलै। लेकिन एतऽसँ देख सकै छियै मौसम पूरा चेंज भऽ गेल छै, सामने देखियौ पूरा फेर से बादल फॉग आबि गेल छै, कुहेस आओर पूरा अंधेरा आबि गेल छै। तऽ इएह तऽ छै खूबसूरती, जखन अहाँ कतौ निकलबै ने घुमैके लेल देखियौ एहिसँ पीछा जस्ट पूरा रौदा छलै आओर एहिठाम देखियौ पूरा फॉग 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 भऽ गेलै, केओ कहि नहि मतलब तुरंत कहै छै ने ओतऽ ओतुका मौसम केहन छलै, एतुका मौसम देखियौ केहन भऽ गेलै। नासिक जिला छै तऽ हम प्रवेश कऽ चुकल छी, एहिठाम जस्ट पीछामे बोर्ड छलै जाहिठाम लिखल छलै वेलकम टू नासिक, तऽ ऑलमोस्ट हम पहुँच गेल, किएकि अखन मैपोमे बता रहल कि ओनली 10 किलोमीटर बाकी छै, तऽ महादेव बेसी दूर नहि छथि, हम बहुत जल्दी दर्शन करब आओर अहूँ सबके बहुत जल्दी दर्शन करबैला छी। ओना हमर तऽ पहुँचैके टाइमिंग छलै 9 बजेके बतबै छलै जहन हम चालू कयने छलियै राइड तहन, लेकिन रास्तामे ब्रेक लैत लैत एलियै रुकैत रुकैत मतलब एक दू जगह रुकलियै तऽ कनि मनि मतलब टाइम ज़्यादा लागि गेलै, तैयो अप्रोक्सीमेटली 10 बजे तक प्रॉपर ओतऽ पहुँच जेबै। आओर ओहिके बाद देखै छी महादेव कतेक देरके बाद दर्शन देथिन। त्र्यम्बकेश्वर 3 किलोमीटर बस भऽ गेलखिन महादेव, आब बेसी दूर नहि छथिन। देख रहल छी एतेक सारा पहाड़ छै, पहाड़ पर कतौ बैसल छथिन महादेव, तऽ चलू बहुत जल्द नजदीक आबि गेल छियै आओर अहाँ सब गोटे के दर्शन करबै छी बहुत जल्दी भगवान त्र्यम्बकेश्वर भोलेनाथ के। तऽ फिलहाल हम पहुँच गेल छी बाबा के प्रांगणमे, इएह छै महादेव के जे मेन गेट छै से अहाँ सब गोटे एहिठाम देख सकै छी। एकटा जे छै ने मतलब पीछो गेट छलै, लेकिन अहू तक मतलब गाड़ी सब जा रहल है, पता नहि एतऽ बन्द किया कयने छै, भऽ सकैया श्रावण चढ़ि गेलै ताहि दुआरे बन्द कयने छै, दूटा तीनटा गेट चालू कऽ रखने छै। तऽ चलू ओतऽसँ अन्दर चलै छी अहाँ सब गोटे के आओर महादेव के दर्शन करबै छी। आओर देख सकै छी साक्षात महादेव तऽ अखन पहुँच चुकल छै एहिठाम, आओर इएह छै महादेव के मंदिर। तऽ चलू फिलहाल एतऽ हम जाइ छी पहिले स्नान करैके लेल, ओकरा बाद अहाँ सब गोटे के हम एतऽ दर्शन करबै छी। फिलहाल अहाँ सब गोटे देख सकै छी हम अखन पहुँच चुकल छी गोदावरी कुण्ड छै ताहिठाम, आओर सब गोटे एहिठाम पूजा करै छै, एहिठाम स्नान करै छथिन, तऽ हमहूँ अखन आबि गेल छी स्नान करैके लेल। स्नान केलाके बाद फेर अहाँ सब गोटे मिलै छी मंदिरमे दर्शन करैके लेल। देख सकै छी हम अपन मिथिलाके जे ट्रेडिशन यऽ ताहिमे आबि गेल छी आओर नहा सुनाके एतऽसँ निकलि गेल छी, आओर अखन देखै छियै फूलके डाली सब लगलैए आओर आब जाइ छियै लाइनमे लागैके लेल। लाइन बहुत लम्बा चौड़ा छै, स्टिल ट्राई करै छी देखै छियै कतेक जल्दी एहिठाम पहुँचै छी। तऽ गोटे ई जे लाइन देख रहलियै ई VIP लाइन छै, जकर अहाँके 200 रुपैआ डोनेशन दिअ पड़त, आओर ओकरा बाद जे छै ने अहाँ भगवान भोलेनाथके दर्शन करैके लेल जा सकै छी। अहाँ सब गोटे बताबी आइ जे छै ने ई जे VIP लाइन छै एकर क्यू जे छै लगभग 4-5 घंटा अहाँ लाइनमे जहन ठाड़ हेबै ताहिके बाद अहाँके भगवान भोलेनाथके दर्शन हैत, आओर जे नॉर्मल लाइन छै ओकर क्यू बहुत ज़्यादा लम्बा छै, अहाँके लगभग 10-12 घंटा लागत भगवान महादेवके दर्शन करबाके लेल। तऽ अहाँ सब गोटे क्यू अगर प्लान करै छी त्र्यम्बकेश्वर महादेव आबैके लेल, तऽ अहाँ श्रावण महीने आबिके अहाँ नॉर्मल डेमे आबू, अहाँके लगभग आधा घंटाके अन्दर एहिठाम नॉर्मल दर्शन भऽ जायत।
हम फाइनली भगवान भोलेनाथ के दर्शन कऽ के हम एहिठाम बाहर आबि गेल छी और देख सकै छी ई एहिठाम छै लोकल मार्केट छै, अहाँके जे भी चाही पूजा से रिलेटेड सामान सबटा उपलब्ध छै एहिठाम। फूल के डाली सब 30-40-50 रुपया से लेकर 100-200 रुपया तक छै। एहिठाम भोजनो के छै बहुत उत्तम व्यवस्था कयल गेल, अहाँके शुद्ध शाकाहारी भोजन आसपास मे ओहो कम कीमत मे एहिठाम भेट जायत। और अगर अहाँ एहिठाम रुकै के लेल चाहै छी तऽ अहाँके आसपास मे बहुत सारा कोई ऑप्शन यऽ, एकटा देख सकै छी आसपास मे बहुत सारा होटल छै जे अहाँके 300-400 रुपया लेत पर पर्सन के हिसाब से और अहाँ स्टे कऽ सकै छी। और दोसर ऑप्शन अहाँके पास मे यऽ कि मंदिर के द्वारा एकटा ट्रस्ट चालू कयल गेल छै, ओहोठाम अहाँके छै ने जे नॉर्मल बेड वाला छै बेड अहाँके लगभग कते 65-70 रुपीज से चालू भऽ जाइ छै। और अगर अहाँ पूरा रूम लै के लेल चाहै छी, अगर पूरा फैमिली अहाँ गेल छी पूरा रूम अहाँ 475 से लगभग 500 रुपया के बीच मे एहिठाम आबै छै ओ अहाँ लऽ सकै छी। जेना अहाँ सब गोटे स्टार्टिंग मे कहलहुँ कि नासिक की जे जगह छै तकर जे छै ने इतिहास से बहुत पुराना नाता छै, लगभग द्वापर त्रेता युग से छै ने एहि जगह के छै धरोहर ओ आबि रहलै हँ। तऽ एहि जगह छै ने एक दिन मे घूमनाइ पॉसिबल नहि छै, अहाँ कम से कम तऽ 2-3 दिन देबै। ताहिके बाद अहाँ एहिठाम जे मुख्य स्थान छै अहाँ ओकरा एक्सप्लोर कऽ सकै छी, ओकरा घूम सकै छी। ओना आइ तऽ हम फिलहाल एक दिन मे रिटर्न जा रहलहुँ हँ, लेकिन हम प्रयत्न करब अहाँ सब गोटे के फेर से बाद मे लऽ कऽ आबी एहिठाम और जते भी एहिठाम मुख्य स्थान छै सबके दर्शन कराबी सबटा घुमाबी। चलो अहि उम्मीद के संग उसका वीडियो हम एतै खत्म करलहुँ, कियाकि हमरा एहिठाम से जाइयो मे लगभग 4 घंटा बता रहल गूगल मैप पर। तऽ आशा करै छी अहाँ सब मैथिल के हमारी मैथिली ब्लॉग के जे प्रस्तुति यऽ से नीक लागल हैत। अगर वीडियो अहाँके नीक लागल तऽ प्लीज अहाँ वीडियो के लाइक करो, अहाँके जे वैल्यूबल फीडबैक यऽ ओ कमेंट बॉक्स मे दियो। वीडियो के जते मैथिल संगे शेयर कऽ सकै छी प्लीज एकरा शेयर करो। और मिथिला ग्लोरी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज चाहे इंस्टाग्राम जतो भी अहाँ देख रहलहुँ हन, अगर अहाँ पेज को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं करने छी तो प्लीज एकरा सब्सक्राइब और फॉलो कर लिया सब जगह। तो चलो मिलै छी अगला ब्लॉग में, तब तक सब गोटे अपन ख्याल रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बहिन जानकी।